आज मैं क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का लेसन फर्स्ट लेटर टू गॉड को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और इसके राइटर हैं जीएल फ्यूटन। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें, और आप वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल पे आप कैसे वीडियो चाहते हैं, किस सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं। अब आते हैं लेसन पर। द हाउस ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस ओनली वन इन द इंटायर वैली, वैली का मतलब होता है घाटी। पूरी घाटी में केवल एक घर था जो स्थिर था क्रेस्ट पर। क्रेस्ट होता है हिल का टॉप, एक पहाड़ी के शिखर पे। तो पहाड़ी के शिखर पे वैली में, पूरी वैली में, पूरी घाटी में केवल एक घर था, और यह जो शिखर था, पहाड़ी का शिखर था, ऑफ ए लो हिल, यह पहाड़ी एक छोटी सी थी, ज़्यादा ऊंची नहीं थी। तो एक छोटी सी पहाड़ी के शिखर पर पूरी घाटी में केवल एक घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट। और इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था, मक्के के खेतों को देख सकता था, कॉर्न मतलब मक्का, पके हुए मक्के के खेतों को देख सकता था, और खेतों में जो फूल खिले हुए थे उनको देख सकता था, और यह फूल एक अच्छी फसल के द्योतक थे। इन फूलों को देखकर यह विश्वास किया जा सकता था कि फसल अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउन पावर आर एट लीस्ट सावर। जमीन को केवल एक चीज की जरूरत थी कि मूसलाधार बारिश हो जाए, या फिर कम से कम फुहार ही पड़ जाए। एटलीस्ट ए सावर मतलब फुहार, हल्की फुल्की बारिश को हम फुहार कहते हैं। तो जमीन की आवश्यकता थी कि या तो मूसलाधार बारिश हो जाए तो सबसे अच्छा है, या कम से कम फुहार ही पड़ जाए। दो आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। जब तक एक सुबह लेंचो हु न्यू हिज फेल इंटीमेटली हैड डन नथिंग, जो अच्छी तरह से जानता था कि उसके खेत में कुछ नहीं हुआ है, और वह आसमान में देखता है, ऊपर की तरफ देखता है, उत्तरी पूर्वी दिशा में बारिश की आशा से कि बादल का कोई टुकड़ा तो नहीं दिख रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वीमन द वीमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। अब लेंचो कहता है एक औरत से, एक महिला से जो उसकी अपनी पत्नी ही है, कि अब बारिश होगी। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर से अभिप्राय है कि अब बारिश होगी, अब हमें पानी मिलेगा। और उसकी पत्नी जो रात्रि भोजन की तैयारी कर रही थी, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है बारिश होगी। द ओल्डर बॉय वेयर
working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all. जो बड़े बच्चे थे, older boys से मतलब है, जो बड़े बच्चे थे लेंचो के वे खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे और ऐसा तब तक होता रहा जब तक कि लेंचो की पत्नी ने उनको बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, जब तक कि उन लोगों को डिनर के लिए, रात्रि के भोजन के लिए नहीं बुलाया, तब तक बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घर के पास ही खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल। अभी भोजन के बीच में ही, जैसा कि अभी कुछ समय पहले या ठीक अभी ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश में पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, मतलब बारिश होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व दिशा में बहुत उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखा जा सकता था जो आ रहे थे। पूर्वी उत्तरी सिरे से बादल उमड़ते घुमड़ते आ रहे थे, इनको आसानी से देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो ताजी थी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और वह आदमी मतलब लेंचो बाहर चला गया और इसका बस यही कारण था कि वह बारिश की बूंदों को अपने शरीर पे, बारिश की बूंदें जब उसके शरीर पर पड़ती हैं तो उस आनंद को पाने के लिए वह बाहर जाता है, क्योंकि बारिश की जब ज़रूरत हो और ऐसे में बारिश शुरू हो जाए तो एक किसान को बारिश की बूंदें बहुत आनंद देती हैं, तो उस आनंद को पाने के लिए लेंचो घर से बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस। और जब वो लौट कर बोला कि ये जो बारिश हो रही है आसमान से, यह पानी की बूंदें नहीं हैं बल्कि नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और ये जो बड़े टुकड़े हैं वो 10 पैसे के सिक्के हैं और जो छोटे टुकड़े हैं वे 5 पैसे के सिक्के हैं। मतलब पानी की बूंदों में उसे पैसे दिख रहे थे। With the satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall. With the satisfied expression, अब जो उसकी भावभंगी थी लेंचो की, वह उसमें संतुष्टि के भाव दिख रहे थे। He regarded the field of ripe corn with its flower, उसने अपने मक्के के खेत को देखा जिसमें फूल भी थे। Draped in a curtain of rain, और जो बारिश से ढके हुए थे, मतलब पानी बरस रहा था, तो वे पानी से
भीगे हुए थे, पानी से तर थे। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन तभी अचानक ही तेज हवा बहना शुरू हो गई, एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, और इसके साथ ही साथ बारिश में बड़े बड़े ओले, हेलस्टोन मतलब ओला, तो बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे, बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गए। दी ट्रूली डिड डिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, यह सही सही तरीके से कहा जाए तो नए चांदी के सिक्कों जैसे थे, जो बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे तो चांदी का जो नया नया सिक्का होता है चमचमाता हुआ, ठीक वैसा ही लग रहे थे। द वॉयज एक्सपेजिंग द देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल। लड़कों ने अपने आप को, लड़के बारिश में चले गए और वे बाहर आकर इस जमे हुए मोतियों को, मतलब हेल स्टोन के लिए फ्रोजन पर्ल्स लिखा गया है, जो हम देखने में मोती जैसे लगते हैं गोले गोले, तो ये लड़के बाहर आए बारिश में और इन फ्रोजन पर्ल्स या बर्फ के टुकड़ों को या ओलों को इकट्ठा करने लगे। लड़कों को ओलों को इकट्ठा करना अच्छा लगता है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, अब आदमी ने बोला, आदमी से मतलब लेंचो ने बोला कि यह सचमुच बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा, मतलब ओले पड़ना बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये जल्दी बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल स्टोन्स ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, एक घंटे तक ये जो बर्फबारी या ओलावृष्टि हो रही थी, एक घंटे तक हुई, घर पर भी और बगीचे में भी, पहाड़ी क्षेत्र में भी और मक्के के खेत में भी, मतलब पूरी घाटी में यह ओलावृष्टि होती रही एक घंटे तक। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इट कवर्ड विथ साल्ट, और खेत कुछ इस तरह से सफ़ेद हो गया जैसे कि इसे नमक से ढक दिया गया, क्योंकि बर्फ के टुकड़े सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, तो बर्फ के टुकड़ों से पूरा खेत ढक गया था। नॉट ए लीफ रिमेन्स ऑन द ट्री, पेड़ों पे एक भी पत्तियां नहीं बची थी, मतलब जब ओलावृष्टि होती है, पत्थर गिरते हैं या हेलोस्टन गिरते हैं जिनके गिरने से पत्तियां टूट जाती हैं, तो सारी पत्तियां टूट चुकी थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, मक्के की फसल भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी जा चुके थे, मतलब टूट चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो का जो दिल था, हृदय था, उसमें वो दुखों से भरा हुआ था, मतलब उसका दिल अत्यधिक दुखी था। फिन द स्टॉर्म हैड पास्ट, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। जब ओलावृष्टि बंद हो गई तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने लड़कों से कहा, प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा, इससे कम ही नुकसान करता। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस का मतलब है कि टिड्डियों का दल भी जो नुकसान करता है, उस नुकसान के बाद जो बचता है और जो अभी बचा हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा बचता है, मतलब टिड्डियों के नुकसान से भी ज़्यादा नुकसान इस ओलावृष्टि से हुई है। द हिल लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब फूल फल पत्तियाँ सब नष्ट हो गए हैं।
दिस ईयर वी विल हैव नो कॉ, इस साल हमारे पास बिल्कुल मक्का नहीं होगा। द माइट वॉज ए सारोफुल वन, द नाइट वॉज ए सारोफुल वन, वह जो रात थी बहुत दुखद थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा मेहनत सारा कार्य व्यर्थ चला गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें भूखा ही रहना है, भूखा ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उन सभी के दिल में जो घाटी के बीच में एकांत में एक मात्र घर में रहते थे, उस घर के सभी सदस्य के दिल में बस एक ही आशा थी, और वह थी ईश्वर की आशा कि अब तो ईश्वर ही कुछ कर सकता है। डू नॉट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगरी, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। डू नॉट बी अपसेट, खिन्न मत हो, उदास मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, जब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ चला गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और ऐसा उन लोगों ने एक दूसरे से कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, एक दूसरे को समझाया, सांत्वना दिया। ऑल थॉट्स द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो सोचता रहा कि अब तो बस एकमात्र आशा है, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद, ईश्वर की सहायता। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, ईश्वर जो जिसकी आंखें ऐसी हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसा उसे लेंचो को जैसी जानकारी मिली थी कि एक ईश्वर ही है जिसकी आंखें हर किसी को देखती हैं, हर किसी को जानती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि किसके हृदय में क्या है, किसके दिल में क्या छिपा हुआ है, उसको भी ईश्वर की आंखें देखती हैं, जानती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था। ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब है परिश्रमी व्यक्ति। लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वह खेत में एक जानवर की तरह मेहनत करता था, कार्य करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इस सबके बावजूद भी उसे लिखना पढ़ना आता था। द फॉलोइंग संडे एट द वेक ही बिगैन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। जो अगला रविवार आया, उसने एक अगले रविवार को एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसको उसने खुद ही ले जाकर कस्बे के एक पोस्ट ऑफिस में मेल करना था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये जो लिख रहा था वह ईश्वर को एक पत्र था, मतलब वो पत्र ईश्वर को लिख रहा था। गॉड ही रोट, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, गॉड, गॉड को संबोधित करते हुए लिखा, ईश्वर, यदि आप हम मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड ए 100
100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop comes, because the hailstorm. मुझे 100 pesos की ज़रूरत है. पेसोज एक करेंसी का नाम है, एक मुद्रा का नाम है, जो लैटिन कंट्रीज में यूज किया जाता है. तो उसने लिखा कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, क्योंकि जो अगली फसल पैदा होगी उसको उस पहले अगली फसल को बोया जाएगा, और फिर अगली फसल जो तैयार होगी तब तक मुझे और मेरे परिवार के खाने पीने के लिए 100 pesos की ज़रूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण उसके बाद सोवान, मतलब समझ लिया जाए कि अपना दुखड़ा रोया. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने envelope पर God लिखा, क्योंकि envelope के ऊपर address लिखा जाता है, तो उसको God को भेजना था. तो गॉड का एड्रेस तो उसे पता नहीं था, पर गॉड को भेजना है, इसलिए इसने इन्वेलप पर गॉड लिखा और इन्वेलप के अंदर पत्र को डाला. उसके बाद कस्बे तक गया, क्योंकि कस्बे में जो पोस्ट ऑफिस थी वहाँ तक गया, और फिर एक स्टैम्प उस पर लगाया. इन्वेलप पे स्टैम्प लगाया ही जाता है. और फिर उस लेटर को, उस इन्वेलप को मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employee who was a postman and also helped at post office went to the boss laughing heartily. और एक कर्मचारी जो कि डाकिया था, पोस्टमैन था, और पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था, सहायता करता था, वो अपने बॉस के पास गया बहुत हंसते हुए, बहुत तेजी. हार्टली लाफिंग का मतलब है कि दिल खोल खांसते हुए. एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को उस पत्र को दिखाया जो भगवान को लिखी गई थी, गॉड को लिखी गई थी. नेवर इन द कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नन दैट एड्रेस. अपने पूरे कार्यकाल में एक बार भी उसने ऐसा पत्र नहीं लिखा था जिस पे गॉड का एड्रेस लिखा गया हो, या जो पत्र गॉड का हो, ईश्वर का हो. द पोस्टमैन ए फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. जो पोस्टमैन था, मतलब पोस्टमास्टर जो था, एक मोटा मिलनसार व्यक्ति था, मिलनसार सहकर्मी था, वह भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही, अचानक ही वह गंभीर हो गया. एंड टाइपिंग लेटर ऑन द डेस्क, और पत्र को डेस्क पर रखते हुए कमेंट व्हाट ए फेथ, उसने टिप्पणी किया, उसने कहा कि क्या श्रद्धा है, क्या विश्वास है ईश्वर के प्रति. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर. उसने कहा कि मैं इस विश्वास को, जो उस व्यक्ति के प्रति है, उस व्यक्ति के मन में है भगवान के प्रति, उसके विश्वास को बनाए रखूंगा. स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पोंडेंस विथ गॉड, और यह जो विश्वास है उस व्यक्ति का, इतना अटूट विश्वास है कि उसने ईश्वर को पत्राचार किया, पत्र लिखा. इसका मतलब है कि पत्र लेखक का विश्वास ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा है, और मैं उसके विश्वास को बनाए रखूँगा. सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द रिटेन फेथ इन गॉड, इसलिए जो ईश्वर के प्रति उसकी
आस्था है, विश्वास है, उसको मैं डिगने नहीं दूंगा। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। और उस पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया, एंसर द लेटर, लेटर का जवाब देने का, पत्र का जवाब देने का एक विचार पोस्ट मास्टर के मन में आया। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, लिफाफे को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू एंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने पत्र को खोला तो अचानक ही इस पत्र का जवाब देना सिर्फ शुभेच्छा या कागज कलम स्याही का ही काम नहीं है, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा की ज़रूरत है, क्योंकि उसने अपेक्षा किया था कि ईश्वर को कोई पत्र लिखा है तो अपना हाल समाचार बताया होगा और ईश्वर से उसका हाल समाचार पूछा होगा। तो ऐसा ही कुछ सोचते उसने पत्र खोला, लेकिन पाया कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा की ही और ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। लेकिन वो अपने रिजोल्यूशन, अपने निर्णय पर टिका रहा और उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, पैसे की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसने स्वयं भी अपने सैलरी का, अपनी पगार का, अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया और बहुत से उसके मित्रों ने भी कुछ ना कुछ दिया इस दयालुता के कार्य में, इस मानवता के कार्य में, और अपने आप को कृतज्ञ पाया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसोज। उन लोगों के लिए असंभव था कि वे 100 पैसोज जुटा पाते। ही वॉज एबल टू फाइंड सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन ए हाफ। वे लोग केवल आधे से थोड़ा ही ज़्यादा किसान को भेज पाने में समर्थ थे। हाफ मतलब 100 का हाफ मतलब 50, मतलब 50 से थोड़ा ज़्यादा ही उन लोगों ने इकट्ठा किया और उतना ही भेज पाने में वे समर्थ थे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए वर्ड, सिंगल वर्ड एस ए सिग्नेचर गॉड। और उन लोगों ने इस पैसे को एक लिफाफे में डाला और उसके साथ एक पत्र भी लिखा। उस पत्र पे सिर्फ एक शब्द लिखा था और वह था भगवान का सिग्नेचर, हस्ताक्षर, गॉड। और लिफाफे के ऊपर भी गॉड लिखा हुआ था ताकि सेंडर का पता चले। लिफाफे के ऊपर तो वैसे लेंचो का एड्रेस लिखा हुआ था, पत्र में गॉड लिखा हुआ था ताकि ये हो कि पत्र या पैसा या दोनों ही गॉड के द्वारा भेजा गया है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को ही लेंचो आया, अपेक्षाकृत थोड़ा जल्दी ही आ गया यह पूछने के लिए कि क्या उसका कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। अब वह डाकिया ही था जिसने स्वयं ही पत्र को उसे दिया। वाइल द पोस्ट मास्ट ऑफ ए मैन हु हैड परफॉर्म ए गुड डीड। जबकि जो पोस्ट मास्टर था उसने एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट। और उसको अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से देखते हुए संतुष्टि का आभास कर रहा था।
Lincho showed not the slightly surprise on seeing the money. Lincho ko जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, जरा भी वह चकित नहीं हुआ जब उसने पैसे को देखा। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, जैसा कि उसका विश्वास था कि ईश्वर उसको पैसे भेजेंगे ही, इसलिए उसको इस बात पर कोई अचरज नहीं हुआ कि ईश्वर ने पैसा भेजा है। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ईश्वर कभी कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकते, मतलब भूलवश 100 से कम पैसों नहीं दिए गए हैं, और ना ही ईश्वर उसके निवेदन को स्वीकार न हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा लेंचो ने सोचा। इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और तुरंत ही लेंचो खिड़की पर पहुंचा और कागज और स्याही मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और जो जनता का लिखने वाला टेबल था उस पर लिखना शुरू कर दिया। विथ मच श्रिंकलिंग ऑफ हिज फ्रो, और उसके जो भौहें थीं बहुत ही सिकुड़ी हुई थीं। भौहें प्रायः तब सिकुड़ी होती हैं जब आदमी बहुत गहरी सोच सोच रहा होता है, तो मतलब वह जो पत्र लिख रहा था बहुत ही सोच कर लिख रहा था। कॉस्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, और ये जो भौहें उसकी सिकुड़ी हुई थीं इसलिए सिकुड़ी हुई थी क्योंकि वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसे जितने पैसों की ज़रूरत थी, जितने पैसों के लिए उसने निवेदन किया था, उसे कम पैसे पाकर उसके मन में जो भी भावनाएं मुड़ रही थी उनको वह शब्दों में व्यक्त करने के लिए काफ़ी गहराई से सोच रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू विंडो टू बाई ए स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। जब उसने लिखना समाप्त किया तो वह खिड़की पे गया एक स्टैम्प खरीदने के लिए, और फिर उसको चाट कर थोड़ा सा गीला किया और फिर उसको एनवेलप पर चिपकाया, और चिपकाने के लिए उसने अपने मुट्ठी से उसे प्रहार किया ताकि थोड़ा प्रेशर बने और स्टैम्प लिफाफे पे चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। उस क्षण जब पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया गया तो पोस्ट मास्टर वहाँ गया पत्र को खोलने के लिए, या मेल बॉक्स को खोलने के लिए। इट सेड, अब यहाँ पे लिखा हुआ था गॉड, गॉड को संबोधित किया गया था, ईश्वर को संबोधित किया गया था। ऑफ द मनी दैट ए आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, ईश्वर मैंने जिन पैसों की मांग की थी उनमें से केवल 70 पैसोज ही मुझ तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और जो बचा हुआ धनराशि है वह भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक। लेंचो, लेकिन जो धनराशि आप भेजिए इस बार मेल के द्वारा न भेजिए, पत्र मतलब क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा न भेजिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये लुटेरों का समूह है। और फिर उसके नीचे उसने अपना सिग्नेचर कर दिया, लेंचो लिख दिया। तो अब इससे ये पता चल रहा है कि
कितना सीधा, कितना सरल व्यक्ति था और इसका ईश्वर में कितना अटूट विश्वास था लिंचो का। और इसने ईश्वर से फिर से पैसे के लिए कहा, और जिन लोगों ने इसकी मदद की थी 70 पैसे दिए थे। इसका मानना था कि कहीं ऐसा न हो कि भगवान ने तो पूरा पैसे भेजा हो और ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ही पैसा खा गए हों।